Hello, welcome. Welcome to Professor Zavalkar's English Academy. Good morning, students. आज हम देखते हैं use of would. Would का सही उपयोग. Would का प्रयोग कई तरह से किया जाता है. जैसे कि to express habitual action in past. भूतकाल की आदत. भूतकाल में हमेशा होने वाली घटना. भूतकाल में होने वाली अक्सर होने वाली घटना. इसके बारे में हम जब बात करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं. जैसे कि when he was in college, he would play cricket. जब वो कॉलेज में था वह क्रिकेट खेलता था. He was in college. भूतकाल में होने वाली घटना. I would love maths at school days. मुझे स्कूल में मैथ बहुत अच्छा लगता था. My granny would sing devotional songs every morning. मेरी दादी हर सुबह भक्ति गीत गाया करती थी. He would go for a long drive. वो एक लंबी ड्राइव करता था. कंडीशनल सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है. जैसे कि If I were rich, I would help needy people. अगर मैं धनवान बनूंगा तो मैं जरूरत लोगों की मदद करूंगा. अगर मैं अमीर बनूंगा तो मैं जरूरत लोगों की मदद करूंगा. अगर कंडीशनल क्लॉज है. अगर मैं धनवान बनूंगा. इफ देयर वेयर नो रेन ऑल लाइफ ऑन द अर्थ वुड कम टू एन एंड. यदि बारिश नहीं हुई तो पृथ्वी पर सारी जिंदगी खत्म हो जाएंगी. इफ देयर वेयर नो रेन. यदि बारिश नहीं हुई. If he had studied hard, he would have passed. अगर वो कड़ी मेहनत करता, तो वो पास हो गया होता. If he had studied hard, he would have passed. जब हम रिक्वेस्ट करते, विनती करते समय with की जगह would का प्रयोग किया जाता है. वो अधिक सभ्य रूप के तौर पर माना जाता है. जैसे कि Would you open the door, please? क्या आप दरवाजा खोलोगे? Would you give him my message, please? क्या मेरा संदेश आप वहाँ उसे दे सकते हो? Would you mind if I take your book? अगर आपकी कोई हरकत नहीं तो मैं आपकी किताब यूज कर सकता हूँ? उपहारार्थी वाक्यों में कोई बात करना चाहते हो या कोई बात अच्छी लगती हो. जब हम हमारी इच्छा है, मत है, तो उसका प्रयोग करते हैं. I would love to live in Pune. मुझे पुणे में रहना अच्छा लगेगा. I would advise you to leave this job. मैं आपको सलाह देता हूँ कि तुम ये जॉब छोड़ दो. I would like to open a saving account. ये मेरी इच्छा है. I would like to open saving account. जब निश्चय संभावना के बारे में बात करते तब would का उपयोग करते हैं. He would not play today. वो आज नहीं खेलेगा. उसका निश्चय है. He would go whether you like it or not. अगर आपको अच्छा लगे या न लगे वो निश्चित तौर पे जाएगा. इनडायरेक्ट स्पीच में अप्रत्यक्ष कथन करते समय would का उपयोग करते हैं. He told that he would not come. दोनों वाक्यांश से बात बने वाक्य का पहला भाग पास्ट में हो दूसरे भाग में will की जगह would का प्रयोग किया जाता है. पहले वाक्य में अगर पास्ट टेंस आता है I knew that Rohit would not get railway ticket. I knew. भूतकाल पहले वाक्य में भूतकाल क्रिया पर भूतकाल है तो उसका प्रयोग रोहित वुड नॉट गेट रेलवे टिकट. मुझे मालूम था रोहित को टिकट नहीं मिलेगी. आई थॉट इंडिया वुड विन द मैच. मुझे लगा भारत मैच जीतेगा. आई थॉट. थॉट ये क्रिया पर भूतकाल है तो दूसरे वाक्यों में वुड का प्रयोग आता है. आई थॉट मुझे लगा इंडिया वुड विन द मैच. मुझे लगा भारत मैच जीतेगा. जब इच्छा या पसंद हम व्यक्त करते उसके लिए वुड का प्रयोग करते हैं. टू एक्सप्रेस चॉइस. आई वुड रादर हैव इटालियन डिशेस देन चाइनीज. आई वुड रादर हैव
मुझे चाइनीज डिशेज से इटालियन डिशेज अधिक पसंद है। आई वुड प्रेफर टी, मुझे चाय ज्यादा पसंद है। तो ये रहा वुड का प्रयोग, वुड ये ऑक्सिलरी वर्ब है, वुड का प्रयोग हर अनेक तरह से किया जाता है, यह हमने आज देखा है। ठीक है, ओके बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।